Bismillahir Rahmanir Rahim, dear students, the students of class 2. Today we are going to start social studies, a new subject. So far, we have not studied this. <coughs> so, this will be our first period of social studies in the online uh, classes, okay. dear students uh, this is uh, lesson number 2 or we can say this is unit number 2 right the topic here is mr raza ali's day this is page number 7 mr raza ali's day this s this is called apostrophe ubed इसको अपोस्ट्राफी बोलते हैं इसका मतलब है मिस्टर रजा अली का दिन का का की वी यूज़ दिस अपास्ट्राफी एस मिस्टर अली मिस्टर रजा अली का दिन इसका मतलब ये है डेट हाउ ही स्पेंड्स डे हाउ ही स्पेंड्स डे वो अपना दिन किस तरह गुजारता है

कि ही इज अ मैनेजर इन अ बैंक नाउ दिस वाज़ इंट्रोडक्शन विद मिस्टर रजा अली, अलीम इज मिस्टर रजा अली उसका नाम मिस्टर रजा अली है एंड ही इज अ मैनेजर इन अ बैंक नाउ हाउ ही स्टार्ट्स द डे वो अपना दिन किस तरह शुरू करता है सो मिस्टर रजा अली वेक्स अप ली इन द मॉर्निंग मिस्टर रजा अली सुबह सवेरे उठते हैं वे एक सबका मतलब क्या है उठना देन फिर ही सेज एस प्रेयर्स वो अपना नमाज अदा करता है वो अपने मॉर्निंग uh, प्रेयर्स अदा करता है सुबह का नमाज अदा करता है आफ्टर द्रेयर नमाज के बाद मावा he has breakfast. Karta hai. breakfast. this, you should see, he is having the breakfast. at what time? so he enjoys a cup of tea. Okay. at 7 o'clock. a.m. means in the morning. x, 7 o'clock to the pair. so that is called p.m. इसको एम बोलते हैं ठीक है सो ही हैज ब्रेकफास्ट वो नाश्ता करता है एंड व्हाट ही इंजॉय इन द ब्रेकफास्ट सो ही इंजॉय अ कप ऑफ टी एट सेवन ए एम आफ्टर डेट ही गोज टू हेज वर्क इन हिज कार वो अपने गाड़ी में काम के लिए जाता है एट वट टाइम दिस इज अ कार एट सेवन थर्टी ए एम मीनस डेट एन हाफ आवर ही टेक्स द ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी एंड दिन गोस ही स्टॉर्ट्स वर्क देन इन वन आवर ऑलमोस्ट इन वन आवर सेवन थर्टी वो घर से निकला है एट थर्टी वो अपने चेयर पे बैठ के काम शुरू करता है देन एक बजे तक या डेढ़ बजे तक वो काम करता है ही हैज़ लंच विद हिज कुलग्स लंच का मतलब क्या है दोपहर का खाना तो फिर वो दोपहर का खाना कहता है अकेले नो विद हिज कुलिक्स कुलिक्स मीन दोस्त अपने दोस्तों के साथ एट व्हाट टाइम वन थर्टी पी एम दोपहर का वक्त है ना तो इसलिए इसको हम वन थर्टी बोलते हैं और पी एम बोलते हैं ही गोज होम फिर वो घर वापिस आता है फाइव पी एम पांच बजे पीएम मैं आपको बता दू आपकी आसानी के लिए वैसे तो इसमें इसका मतलब है पोस्ट मेरिडियन ओके डियर स्टूडेंट सो क्या डिस्कस कर रहे थे भाई पी एम और ए एम पी एम मीन पोस्ट मेरिडियन और एम का मतलब है एंटी मेरिडियन लेकिन इसको ज़रा समझना मुश्किल है तो मावा रिमेंबर जब भी एम आए तो इसका मतलब है पश्तु में लिया करो अवल द मासपखी ए मीन्स अवल एम मीन्स मास यानी कि द पखीना मख के एंड पी एम मीन्स पस्ता मासपखीना पी मीन्स पस्ता उबैद एम मस मासपखीना पस् तमाज पखीना पिंजब जी सहारुमी नागर तब एम लिखू बिकॉज इट इज़ अवल वल दमाज पखीना आओ पी एम ब लिखू च नमाजीगर पिनजब जी वी विल से पीएम एम पी एम मीन पस् तमाश ओके सो ही हैज़ लंच विद एज कोलिग्स एट 1:30 पीएम देन ही गोज़ होम एट 5 पीएम एम बजे वो घर जाते हैं देखो ही गोज टू स्कूल ही गोज टू बाजार ही गोज टू मास्क हर एक चीज के साथ हम टू लगाएंगे लेकिन विद होम वी डोंट यूज टू ओके ही गोज होम लगाएंगे टू नहीं लगाएंगे हाँ अगर इफ यू वॉन्ट टू यूज टू तो फिर हाउस लिखो ही गोज टू हाउस ओके होम के साथ वी डोंट यूज टू देन इट इज ए फ्री टाइम ये इसका फ्री टाइम है सो ही हैज़ टी वो चाय ले रहे हैं वाइल जबकि वॉच सॉरी के दौरान वाइल मीन के दौरान वॉचिंग द न्यूज़ न्यूज़ देखते हुए या न्यूज़ देखने के दौरान ही हैज़ अ कप ऑफ टी वो चाय भी पी रहे हैं एट वट टाइम फाइव फोर्टी फाइव इसको हम कम्स पक बोलते हैं इन पश्तो सो इन इंग्लिश पी से क्वार्टर टू

At what time he is uh, taking breakfast? At what time he goes to work? And uh, <coughs> uh, by rickshaw or by which thing he goes uh, to work? And at what time he starts his work? At what time he is taking lunch? Does he take lunch alone or with his colleagues? And, at what time he finishes his work means that at what time he goes back home and at what time he watches the news. Okay. Thank you. This is the end. Send me homework like Mawa. Okay. Thank you. Goodbye.